बेटा खाना खा लो, ये आपका फेवरेट खाना है ना। नहीं माँ, 2 मिनट में खा लूंगी। अरे बेटा लेकिन खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ए लड़की, तू मेरी बेटी के खाने की तरफ क्यों देख रही है? कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा है क्या? आंटी लेकिन सच में मैंने खाने को नहीं देखा, मैं कहीं और देख रही थी। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि घर से पिज्जा और बर्गर खा के आई हो। तू ये मत भूलना कि तू एक काम वाली की बेटी है, समझी? नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर से खाना खा के आई हूँ। चुप कर रितांशी। अरे दीदी जाने दो ना, वो तो छोटी बच्ची है, ना समझे, मैं उसे समझा दूंगी। अगर इतनी ना समझ है तो उसको बोल ज्यादा जबान ना चलाए। और तुझे उसको यहाँ लेके आने की क्या जरूरत थी, अपने घर पे रखना चाहिए था ना। दीदी मैं माफी मांगती हूँ रितांशी की तरफ से आपसे। चल रितांशी यहाँ से उठ। अरे वासुवानी दीदी आपका खिलौना कितना अच्छा है, मुझे खेलने के लिए दोगे? अच्छा तुम्हें अच्छा लगा, तुम ये रख लो, मेरे पास ऐसे बहुत खिलौने हैं। मेरी बेटी के खिलौने को मतलब ये मजा आ जाएगा। ए लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलौने को हाथ लगाने की? तू है कौन? चल रख साइड पे। पर आंटी ये खिलौना तो मुझे सुहानी दीदी ने दिया है, मैंने नहीं मांगा। अच्छा तो अब तू झूठ बोलेगी मुझसे? तू जानती है ना तेरी माँ यहाँ सिर्फ एक काम वाली है। अरे मम्मी रहने दो ना, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। ए सुहानी तू बीच में मत बोल, तुझे कुछ पता नहीं है समझी, और इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ा। आंटी आप दीदी को कुछ मत बोलो, दीदी बहुत अच्छी है। वो सब तो मुझे मत बता, और दोबारा इसके खिलौने को हाथ मत लगाना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तू? ठीक है आंटी, आगे से दीदी के खिलौने को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे हितांशी बेटा तुम ऐसे यहाँ पे खड़े क्यों? वो मैं सुहानी दीदी का इंतजार कर रही थी क्योंकि हम दोनों को बाहर खेलने जाना है ना इसलिए। ये लो बेटा मैं तुम्हारे और सुहानी के लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। नहीं 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 आंटी ने देख ले तो बहुत डांटेगी। अरे नहीं डांटेगी, लो। नहीं 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 आपको पता नहीं है वो कितना डांटती है। अरे मैं बात कर लूंगा, ये लो तुम। ये लड़की अब तो सुहानी के पापा से चॉकलेट भी मांगने लगी, दिन पर दिन तेरे नाटक बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये सब तुम क्या बोल रही हो, मैंने ही उसे चॉकलेट दी है। अच्छा तो आप बड़े महान बन रहे हो ना अभी, जैसे तो आपको कुछ मालूम ही नहीं है ना कैसे गरीब लोगों के मुंह नहीं लगते। अरे बस भी करो, छोटी बच्ची है ये, कुछ भी बोले जा रही हो। ये लो अंकल मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मैं घर जा रही हूं। अरे नहीं 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 रखो तुम, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन डांटेगा। नहीं अंकल नहीं, तुम लो नहीं, जाओ जाओ चॉकलेट लेके जाओ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, आने तो दोनों माँ बेटी को, अच्छा सबक सिखाऊंगी आज तो। अरे यार तुमने इतना महंगा फोन ले लिया? अरे वो विंजो से पैसे कमा के। विंजो? ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जैसे गेम खेलो और पैसे कमाओ से भी। वो कैसे? देखो इसमें 40 से भी ज्यादा गेम है जैसे बबल शूटर, स्नेक रस, कैरम, लूडो, क्रिकेट, फ्री फायर, क्रश रॉयल। सो विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स है जहाँ पे IPL सीजन से डेली 20,000 तक कमाने का मौका पा सकते हो। और अगर तुम विंजो सुपरस्टार किसी को रेफर करते हो तो तुम पर रेफर 40 रुपीज भी अर्न कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप जो भी अमाउंट अर्न करते हो उसे UPI या बैंक के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो, और मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है only 3 रुपीज। इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? अरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर ले और साइन अप पे 50 रुपीज भी तेरे को मिलेगा, एंड उसी के साथ फ्री फैंटेसी की टिकट भी मिलेगी। वाह मैं भी डाउनलोड करता हूँ, अभी कर ले। अरे दीदी आज आपने हितांशी को बुलाया है क्या? सुहानी को और हितांशी को कहीं खेलने जाना है क्या? कोई खेलने वेले नहीं जाना है, आज घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और बहुत सारा काम पड़ा है, तो इसको बोल तेरे साथ मदद करे काम में। दीदी ये तो बहुत छोटी है, ये कैसे काम करेगी? ओए मैं कोई तेरी बेटी से रोज काम नहीं करवाती हूँ, आज पहली बार ही बोला है मैंने। ठीक है आंटी मैं कर लूंगी। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की। ए ये जरूरत वाली बात है ना तेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती, और उसने बोला ना कि वो काम करेगी, तू बीच में मत बोल समझी, चल जा काम कर।
किया था ना मैंने? वो मैं दीदी के साथ खेलने आई थी। दीदी के साथ खेलने आई हो? कोई खेलना मेला नहीं है? तेरी वजह से ही मेरी बेटी आज बीमार है। पता नहीं कहाँ कहाँ उसको लेके जाती है खेलने के लिए। क्या दीदी बीमार है? मैं उनको देखने जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है। आंटी एक बार देखने जाने दो ना। अरे दीदी क्या हुआ, आप पितांश पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तू बीच में मत बोल। तुझे मना करती थी ना कि अपनी बेटी को लेके मत आ यहाँ पे। देख तेरी बेटी की वजह से क्या हुआ, मेरी लड़की बीमार पड़ गई है। दीदी इसमें हितांशी की क्या गलती है? ये सब तेरी लड़की के संगत का ही असर है। पूछ उसको कहाँ कहाँ लेके जाती थी मेरी बेटी को खेलने के लिए। क्या हो रहा है सब, तुम इसको क्यों डांट रही हो? आपको नहीं पता, देखो अपनी बेटी को कितनी बीमार हो गई है। लेकिन इसमें इसका क्या दोष है? पूछिए इसको, यही तो उसको लेके जाती थी ना खेलने के लिए बाहर। अरे थोड़ी सी शर्म कर लो, अपनी लड़की की बीमारी का दोष तुम इस पर डाल रही हो। सब इसकी ही गलती है। इनको मैंने कहा था कि अपनी बेटी को मत लेके आना यहाँ पे, फिर भी वो लेके आती थी, इसलिए मेरी बेटी बीमार पड़ गई। ये सब तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम इतनी नफरत क्यों करती हो इनसे? क्योंकि ये हमारी बराबरी की नहीं है। और मैंने आपको भी बहुत बार समझाया था कि इन लोगों के मुंह मत लगा करो। वाह रश्मि वाह, तुम कितना बदल गई हो। आप कहना क्या चाहते हो? मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम इस बच्ची का उसकी गरीबी के कारण बार बार अपमान किए जा रही हो। अरे आज भगवान की कृपा से हमारा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या पता कल अगर हम भी गरीब हो गए तो, और तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा ही बर्ताव करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा रश्मि, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज तुम अमीर हो, कल कोई और होगा। हम ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, तो इस पैसों का घमंड किस बात का? तुषार आप सही कह रहे हो, मुझे हमारी अमीरी का बहुत घमंड आ गया था और इस घमंड के कारण मैंने इस लड़की का बहुत बड़ा अपमान किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुषार मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी मांगने तो मुझसे क्यों मांग रहे हो, इनसे मांगो जिनका तुमने बार बार अपमान किया है। हितांशी बेटा इधर आओ बैठो। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगी और तुम सुहानी के साथ भी खेल सकती हो। आज से तुम मेरी बेटी की तरह हो बेटा। हाँ बेटा जाओ। चलो। और रोशनी तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दीदी जो हुआ वो मैं कब की भूल चुकी हूँ, आप माफी मत मांगो।